गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रफ सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज को विद कॉन्सेप्ट पास्ट स्टोरी एंड एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें और एज ए न्यूज पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज से, केन डिस्प्यूट इंडिया कीप्स लीगल टॉक्स ओपन ऑप्शंस। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर केन डिस्प्यूट की बात की गई है। केन डिस्प्यूट को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। इसके अंदर पहले समझते हैं केन के बारे में। केन एक कंपनी आपकी यूरोप के अंदर ही लिस्टेड है लंडन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। यूरोप की बेसिकली पूरी कंपनी है, एडिनबर्ग और यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके अंदर क्या है कि ये आपकी ऑयल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड ये कंपनी है। आप इसको बोल सकते हैं कि रिलायंस का जो वो बिजनेस है ना जो ऑयल से रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, अगर आपने वो फोटोज वगैरह देखी हो तो जिसने ड्रिल्स लगा रखी है सी के अंदर, तो वैसा जो बिजनेस है उसके अंदर ही काम करती है बेसिकली। तो ये ऐसी कंपनी है। उसके अंदर क्या हुआ, केन डिस्प्यूट आप अभी के लिए मान सकते हैं टैक्स से रिलेटेड है। हालांकि मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ पहले भी, टैक्स से रिलेटेड कि केन इंडिया से हमने कुछ ज़्यादा टैक्स ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने और उसको वापस से सेटलमेंट करने की कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब केन डिस्प्यूट ने क्या किया है, सॉरी केन कंपनी ने क्या किया है कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास गए थे, फ्रेंच कोर्ट के अंदर इस केस को उन्होंने प्रेजेंट किया और वहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकलवाया कि उन्होंने बोला फ्रेंच कोर्ट ने, फ्रेंच कोर्ट क्यों गए थे क्योंकि यूरोप में कंपनी है, यूरोप में कंपनी फ्रेंच कोर्ट के अंदर जा सकती है। तो फ्रेंच कोर्ट के अंदर गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, 20 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ये सीज कर सकती है केन इंडिया अपने अंदर और ये 20 मिलियन यूरो से ज़्यादा की इनकी वर्थ है। तो हमने इसके अंदर समझ लिया कि क्या मेन न्यूज़ यही वाली थी कि आपकी फ्रेंच कोर्ट ने यही कहा है कि अब वो 20 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर ले जिसकी वैल्यू टोटल मिलाकर 20 मिलियन यूरो से ज़्यादा है। तो हमने समझ लिया इसके अंदर यहाँ पे इंडिया कीप्स लीगल मतलब यहाँ पे है कि इंडिया यही चाह रहा है कि थोड़ा सेटलमेंट हो जाए और उसको भी कुछ मतलब ज़्यादा इतना बड़ा लॉस ना हो, 20 मिलियन यूरो जितना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसके अंदर यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि फ्रेंच कोर्ट, सॉरी यहाँ पर फिनमिनसेस, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, फिनमिनसेस फाइनेंस मिनिस्टर्स कह रही है कि इंडियाज इंटरेस्ट टू बी प्रोटेक्टेड, इंडिया का भी इंटरेस्ट थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, लीगल रेमेडीज टू बी सॉर्ट। तो लीगल रेमेडीज टू बी सॉर्ट आप समझ रखते हैं कि आपकी कुछ मतलब लीगली कुछ आसान रास्ता निकाला जाएगा। तो हमने इसके अंदर समझ लिया केन सेज इट प्रेफर्स अग्रीड एमिकेबल सेटलमेंट। तो केन्स कह रहा है कि वो खुद भी अग्रीड, मतलब कि दोनों पार्टीज अगर अग्री करते हैं जिस सेटलमेंट के ऊपर वही प्रेफर करेगा। हैज सबमिटेड अ डिटेल्ड सीरीज ऑफ प्रपोजल्स सिंस फेब। तो यहाँ पे इन्होंने केन ने बताया कि हमने खुद भी आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स सबमिट किए हैं फेब्रवरी से अब तक, जिससे रिलेटेड आपके सेटलमेंट कैसे हो सकता है उससे रिलेटेड ओवरऑल एक न्यूट्रल सा डिसीजन वो निकल कर आए। तो हमने बेसिकली समझ लिया अभी कोई भी डिसीजन इसके अंदर नहीं आया, अगर आता है तो मैं आपको केन डिस्प्यूट वाली बात फिर से बता दूंगा। इसके अंदर DRI कैरीज आउट सर्चेज अमेजोन ऑफिस। तो इसके अंदर DRI समझते हैं, सबसे पहले DRI फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये क्या है बेसिकली, जैसे कंपनी ने कुछ अपना प्रॉफिट शो करा तो प्रॉफिट ने अपना उसने अगर अपना एक्सेस प्रॉफिट शो कर दिया या कम प्रॉफिट शो करा, क्यों, ताकि उसे टैक्स कम ज़्यादा देना पड़े। अगर मान लो प्रॉफिट कंपनी का हुआ 100 रुपीज़ और उसने प्रॉफिट सिर्फ 80 रुपीज़ दिखा दिया, उसने बोला कि हमें तो 20 रुपये की एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ी बट उसने दी नहीं, तो 100 रुपीज़ का उसका एक्चुअल प्रॉफिट था बट उसने दिखा दिया 80 रुपीज़। मान लो कि 100 रुपीज़ पर उसका टैक्स लगता 10 रुपीज़ और 80 रुपीज़ पर उसका टैक्स लग रहा था तो 80 के ऊपर 8 लग गया, तो उस कंपनी को ओवरऑल 20 का तो यहाँ पर बेनिफिट हुआ, मतलब सॉरी यहाँ पर 20 का तो यहाँ पर बेनिफिट हुआ और साथ ही साथ 2 रुपीज़ का यहाँ पर बेनिफिट हो गया, तो 22 रुपीज़ का कंपनी को बेनिफिट हो गया और मतलब उसने कुछ किया नहीं पर उसके लिए। तो ये हमने समझ लिया, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है टैक्स इवेजन का। इवेजन भी ऊपर आया हुआ है बट हम उसको थोड़े अलग एंगल से समझेंगे। तो यही होता है बेसिकली DRI का काम कि आपका जो आपने रेवेन्यू दिखाया है, अपने प्रॉफिट्स दिखाए हैं, वो आपने सही दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं, तो ये सब एनालाइज करना होता है DRI का काम। अब क्या हुआ यहाँ पर, DRI हमने समझ लिया, DRI इज कैरीज आउट सर्चेस। DRI ने अब कुछ सर्चेस करी, बस बेसिकली रेड वगैरह करी सैमसंग के ऑफिस पर, क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कम ज़्यादा दिखाया था। तो हमने समझ लिया इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर कंपनी क्विज्ड ऑन वेडनेसडे ओवर गियर नेटवर्क इंपोर्ट। तो कंपनी क्विज्ड का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्विज का मतलब है कि रिपोर्ट, उनसे बातचीत की गई, उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई बेसिकली कि उनका जो नेटवर्क गियर इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट्स वाली जो चीज़ है वो उन्होंने एक्सपेंस के अंदर या तो नहीं दिखाई है, कम दिखाई है, क्योंकि उनका उससे जो है रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है। तो ये होता है इसकी वजह से बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया। तो हम समझ लेते हैं और फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है सस्पिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इवेजन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कस्टम ड्यूटी का इवेजन किया है। इवेजन का मतलब मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपका प्रॉफिट आप कम शो करो, अपनी सेल्स कम शो करो ताकि आपका ओवरऑल टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। ये टैक्स की हम लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीधी सी बात है हमें पे करना पड़ेगा, ये 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ जितना भी है ये हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए आप कहीं भी टैक्स जरूरी नहीं देखेंगे, आप कहीं जगह टैक्स लायबिलिटी वर्ड देखेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी और टैक्स एक ही बात है।
तो हमने समझ लिया इसके अंदर इवेजन का मतलब मैंने आपको बता दिया। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कुछ बाहर से मंगाया, जैसे लेट्स सपोज हमने चाइना से कुछ मंगाया, चाइना से हमने 100 रुपीज़ की चीज़ मंगाई, तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम 100 रुपीज़ की चीज़ को 100 रुपीज़ के अंदर ही आने देते अपनी कंट्री के अंदर, तो क्या होगा कि जो यहाँ के जो तो क्या होगा कि जो यहाँ के कंज्यूमर हैं वो चाइना को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट वैसे तो वैसे ही सस्ते होते हैं। मान लो यहाँ पे वही प्रोडक्ट 120 रुपीज़ का मिल रहा था और यहाँ पे चाइना से वो 100 रुपीज़ का मंगा पा रहे हैं, और तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ डोमेस्टिक जो सेल्स हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे माल नहीं खरीदेंगे, उनसे मतलब गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो ये होता है इसको प्रमोट तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को इसको डिसप्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या करती है यहाँ पे एक टैक्स लगा देती है, कस्टम ड्यूटी नाम से एक टैक्स लगा देती है यहाँ पर। वो क्या करेगी 100 रुपीज़ के ऊपर मान लो 40% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो 140 रुपीज़ का हो गया। अब मान लो कोई अगर मंगा भी रहा है चाइना से तो उसको बस नाम मिल रहा है चाइना का, हालांकि वो जो उसको प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उससे, तो वो क्या करेगा इसको प्रेफरेंस देगा और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है ताकि इंपोर्ट्स आपके डिस्करेज हो सके, कम हो सके। तो यही हुआ यहाँ पर कि सस्पेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब क्या हुआ न्यूज़ के अंदर कि जो सैमसंग है, सैमसंग की बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या हुआ है कस्टम ड्यूटी के इवेजन हुआ है, कस्टम ड्यूटी उन्होंने ज़्यादा दिखाई है ताकि उन्होंने प्रॉफिट कम हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने बाकी डेटा बताया है कि कितनी ज़्यादा दिखाई है और कैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे चल सकती है। कि सैमसंग इट्स एक्सक्लूसिव 4G इक्विपमेंट सप्लायर टू रिलायंस जियो, सैमसंग ने इन्होंने बताया कि 4G के इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करते हैं जियो को, तो वो भी कस्टम ड्यूटी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि सैमसंग बाहर की कंपनी है और रिलायंस जियो यहाँ की कंपनी है, तो वो आने में इम्पोर्ट्स में आपके इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी लगेगी। अभी चलिए तो ट्विटर मस्ट फॉलो इंडियाज रूल, तो यहाँ पे आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव एक जो आपके नए IT मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पे IT टेलीकॉम और रेलवे मिनिस्टर ये बने हैं नए। अब इन्होंने क्या है कि यहाँ पर मैं पहले बताऊँ थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये आपके वॉटन से पढ़े हुए हैं पहली बात, दूसरी बात ये एक्स IAS ऑफिसर हैं, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी नॉलेजफुल पर्सन है। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे इनके ऊपर कुछ चैलेंजेस हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं इनके ऊपर चैलेंजेस क्या है IT के अंदर और टेलीकॉम के अंदर, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, रेलवेज का यहाँ पर नहीं बताया। तो IT के अंदर इनके क्या जो चैलेंजेस हैं मैं आपको बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बताऊँ थोड़ा सा। इसके अंदर मेन इनका जो चैलेंज है IT के अंदर वो है IT रूल्स आपको बताया था कितने टाइम से SL चल रहा है हमारा, May 26 को ऑलमोस्ट एक महीने से भी ज़्यादा ही हो गया, एक महीने से ज़्यादा से पहले आपको जो है कंप्लाई करना था कंपनीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इनसे, पर क्या हुआ है कि ट्विटर ने अभी तक नहीं किया। इस न्यूज़ के अंदर भी यही है ट्विटर मस्ट फॉलो इंडिया रूल्स, तो ये आपके जो अश्विनी वैष्णव ने कल ही अपने फर्स्ट डे एट जॉब पे बेसिकली कहा है कि ट्विटर को जो है रूल्स फॉलो करने चाहिए और कंप्लायंस करना चाहिए, तो अभी ये हुआ है। और इसके बाद देखें तो टेलीकॉम के अंदर क्या इनका मेन है, डिसाइड ऑन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वोड आइडिया टू इंश्योर एन इंडस्ट्री विद 3 प्राइवेट प्लेयर्स। तो एन इंडस्ट्री का यहाँ पे मतलब है टेलीकॉम, टेलीकॉम के अंदर क्या चाह रहे हैं कि वोडाफोन इंडिया आइडिया को ये थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था जब वो इस रिलीफ की मांग कर रहे थे। अब क्या हुआ यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि उसे दे देंगे रिलीफ, क्यों? क्योंकि ताकि वो एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अंदर ये इंश्योर कर सके कि 3 प्राइवेट प्लेयर वर्क करते हैं। अभी क्या ये माना जाता है कि यहाँ पर 2 ही प्राइवेट प्लेयर वर्क कर पाते हैं, जियो और एयरटेल, ये कहीं भी बोलते नहीं है लोग, बट सीधी सी बातें क्लियर है जियो और एयरटेल की बात करें, मतलब तो जियो और एयरटेल की बात करें ताकि चाहते हैं कि एक और कम से कम एक कंपनी रहे जिसको अगर कंज्यूमर इन दोनों से अगर कुछ नई प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे तो वो ले आए। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर कि क्यों चाह रहे हैं आगे, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक सच एज 5G एंड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड टू एनहांस कनेक्टिविटी। तो ये तो बेसिकली इन्होंने अपनी मतलब एक नई नई बात करने के लिए कहा है, इनका पहला दिन था जॉब पे, तो इन्होंने बोला यहाँ पर कि 5G और जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वाली टेक्नोलॉजी है नई लाने की डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो इनके ऊपर ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ सके, तो ये तो होना ही है। मतलब जैसे कि अगर 5G बन जाता है तो कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो 5G की सिम सेल कर पाए या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को एनेबल करा पाए, तो हमने समझ लिया इसके अंदर। आगे चलते हैं यहाँ पर वैष्णव नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लियोर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे वैष्णव ने बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर PLI स्कीम हमने टेलीग्राम के ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर जैसे जो बड़ी कंपनी है उनको एक इन्होंने ऑफर दिया, बेसिकली ऑफर ये दिया कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन को डबल करते हो तो हम आपको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आप जितनी अपनी सेल्स को या प्रोडक्शन को बढ़ाओगे उसका हम 10% आपको प्रोवाइड करेंगे एज अ सब्सिडी या असिस्टेंस। तो ये बेसिकली आपका एक मोटिव रहता है ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे कंपनीज। तो हमने समझ लिया प्रोडक्शन को बेसिकली एनहांस करने के लिए स्कीम रहती है पूरी PLI स्कीम। इसका मतलब ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम, कि आप प्रोडक्शन जितना बढ़ाओगे आपका इंसेंटिव उतना बढ़ता जाएगा, ये होता है बेसिकली। और ये मेनली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर मिलता है, आपके वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, ये भी आप टर्म अगर आप लिख रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वाइट गुड्स इंडस्ट्री, ये आप नोट कर सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं।
तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर, और हमारी जो तीन न्यूज है वो कवर्ड है। सेटिंग अप ऑफिस सीक नो प्रोटेक्शन, तो ये इसी के कंटिन्यू में न्यूज है यहाँ पर, कि सब न्यूज आप बोल सकते हैं इसके अंदर। ट्विटर अपने अभी आपने समझा था कि कंप्लाई नहीं कर रहा है अपने नए आईटी रूल से, तो अब इन्होंने कुछ तो कुछ कंप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे बोला गवर्नमेंट सेज कोर्ट सेज गवर्नमेंट फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्विटर फॉर नॉन कंप्लायंस। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्शन ले सकती है ट्विटर के खिलाफ, क्योंकि उसने कंप्लाई अब तक नहीं किया है और उसने बिजनेस ऑपरेट कर रहा है बेसिकली वो इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो ट्विटर ने ये बोला है, अब इसको थोड़ा हम बैकग्राउंड से समझते हैं। तो यहाँ पे न्यू आईटी रूल्स जो थे उसके अंदर काफी सारे नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था उसके अंदर, से मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे नोडल ऑफिसर, ग्रेवेंस ऑफिसर और इंटरिम चीफ ऑफिसर, तो ये इसके अंदर रहते हैं तीन ऑफिसर मेनली। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक को अपॉइंट कर लिया है, अपॉइंटेड इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑन जुलाई 6। तो जुलाई 6 को इन्होंने अपॉइंट कर लिया यहाँ पर एक ऑफिसर को। यहाँ पे तीन तो मैं ही बता रहा हूँ, उसके अलावा भी काफी सारे हिडन ऑफिसर्स थे और काफी सारी चीजें और भी थी जो कंप्लाई करनी थी। तो यहाँ पे आप देखें तो दूसरे इन्होंने बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर टू बी कंप्लीट बाय जुलाई 11। अब ट्विटर एक और बात बोल रहा है कि जो ग्रीवेंस ऑफिसर था, यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर था उसकी अपॉइंटमेंट भी जुलाई 11 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे देखें तो कंपनीज लुक टू फुलफिल की पोजीशंस विद ओन एम्प्लॉयज विद इन 8 वीक्स। तो ये चाह रहे हैं कि 8 वीक्स के अंदर अंदर ये ट्विटर बोल रहे हैं कि वो अपनी की पोजीशंस को, की पोजीशन मतलब यही जो नई आईटी रूल के अंदर बोली है नई बड़ी बड़ी पोजीशन, इसके अंदर वो अपने ही एम्प्लॉयज उसको फिलअप कर देंगे 8 वीक्स के अंदर अंदर। इन दो केसेस में भी ऐसा ही हुआ है, नए पीपल को हायर नहीं किया गया है। तो हमने समझ लिया इसके अंदर पूरा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये हमारा कवर है नो एससी रिलीफ टू एफबी ऑन दिल्ली असेंबली नोटिस। तो यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एफबी को कोई भी रिलीफ नहीं दिया है दिल्ली असेंबली के नोटिस पे। अब हम समझते हैं दिल्ली असेंबली का नोटिस क्या था। तो दिल्ली असेंबली का नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्पोज बिफोर इट एक्सपायर, मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ उसको। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो फेसबुक को अलर्ज किया जा रहा है बेसिकली, उसके ऊपर इल्जाम सा लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पर फरवरी 2020 के अंदर दंगे हुए थे, रायट्स हुए थे, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, आपको पता ही होगा वैसे, फिर मैं इसको यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ी नेगेटिव सी हो जाएगी। तो फरवरी 2020 रायट्स हुए थे, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ट्विटर फेसबुक को, सॉरी फेसबुक को अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ था किस में, कि आपको उसको एम्पलीफाई करने में, मतलब कि फेसबुक ने उसको प्रमोट किया, जो फेसबुक का एल्गोरिथम था उसके उसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड पोस्ट आ रहे थे उसको प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया, शेयर्स उसके ऊपर ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लाइक्स वगैरह, मतलब बेसिकली एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रहा उसके ऊपर। इसमें फेसबुक की गलती बता रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सॉरी। तो हमने इसके अंदर समझ लिया। अब आपको जो है दिल्ली असेंबली का नोटिस समझ में आ गया। दिल्ली असेंबली का नोटिस बेसिकली इसीलिए था कि जो एफबी है वो काफी ज्यादा इसके अंदर प्रमोशन किया इन्होंने फरवरी 2020 के अंदर जो राइट्स हुए थे, जो मुस्लिम वाले जो राइट्स हुए थे बेसिकली उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इंटरमीडियरी अकाउंटेबल फॉर कंटेंट कैंट अवॉइड हाउस पैनल स्क्रूटिनी कोर्ट। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरी का स्टेटस मिलता है। इंटरमीडियरी मतलब कि जी जो आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं कि क्या कॉन्टेंट उसके ऊपर पोस्ट हो रहा है। उसके ऊपर क्या है कि आपका एक यूजर को उन्होंने एनेबल कर दिया कि आप कुछ भी डालो, और हर यूजर को ये बोल दिया कि आप कुछ भी देख सकते हो। हालांकि कुछ इसमें सब्जेक्ट नहीं जैसे पोर्नोग्राफी न्यूडिटी के वगैरह नहीं है, बट फिर भी हम जो एक बेसिक बात करें तो उसके अंदर ये रहता है। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर फिर भी कोर्ट ने बोला है कि ये इंटरमीडियरी तो है बट फिर भी इसको कंटेंट के ऊपर, ऐसे कंटेंट के ऊपर जो एक पूरा मतलब ट्रबलसम क्रिएट कर दे पूरी कंट्री के ऊपर, हैसल क्रिएट कर दे, उसके लिए उसको अवॉइड करनी, वो अवॉइड नहीं कर सकता उसको हाउस पैनल की स्क्रूटिनी को, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी उसके ऊपर केस होता है उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो हमने समझ लिया पूरे इसके अंदर न्यूज को। बाकी चलते हैं यहाँ पर लेबल्स लाइन अप फॉर अ फैशन परेड ऑन दलाल स्ट्रीट। तो डी स्ट्रीट का सबसे पहले मतलब है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट को अगर जब भी आप देखें न्यूज के वगैरह के अंदर तो 99% इसका मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट। जैसे अगर लिखा है दलाल स्ट्रीट परफॉर्म्स वेरी गुड, तो यहाँ पे इसका मतलब है बेसिकली कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है उसके। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर लेबल्स हैं फॉर फैशन पैराडाइज। तो फैशन यहाँ पे फैशन की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रेजेंट किया, ट्रेंट हो गया आपकी, आदित्य बिरला फैशन है, TCNS क्लोदिंग है, TCNS मतलब टाटा की है, और रेमंड है यहाँ पर, अरविंद फैशन है, तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है। और इनके जो स्टॉक्स के ऊपर क्या रिटर्न्स रहे हैं वो बताया हुआ है। अगर आप मॉन्टी कार्लो फैशन देखें तो 117% ये मैक्सिमम रिटर्न्स थे। अगर आप मिनिमम रिटर्न्स देखेंगे तो अरविंद फैशन के ऊपर -8% भी रिटर्न्स है, मतलब इनकी वैल्यू गिर गई है। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। और आगे देखिए तो यहाँ पर अब ये जो आगे इन्होंने एक और न्यूज के अंदर हाईलाइट किया है, मान्यवर, फैब इंडिया, गो कलर्स और बीवा, ये बेसिकली फैशन के अंदर ही बहुत बड़े नाम है। मान्यवर तो आपको पता ही होगा, वही विराट कोहली वाले। तो ये जो आपका पब्लिक ऑफरिंग आए कर रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग ला सकते हैं बहुत ही रीसेंट टाइम के अंदर अंदर। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। और अगर आपको नहीं पता तो मान्यवर की तो आईपीओ की न्यूज़ काफ़ी टाइम से जून 10 के आसपास से चल रही है, जून 10 के आसपास से। तो हमने समझ लिया फर्स्ट फेज पूरा हमारा कवर्ड है। अगर आप उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कवर किया इसके अंदर, मतलब कोशिश की है बेसिकली, टाइम तो इसके अंदर काफी लग गया, बट इसके अंदर आज बहुत ज्यादा न्यूज़ थी और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ थी तो हमने कवर कर लिया। तो आगे जो प्रॉपर्टी से सेक्शन होता है इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर सारी जैसे कि CM ने क्या कहा, आपके कल जो नए कैबिनेट मिनिस्टर बने थे उन्होंने क्या क्या कहा, वो इसके अंदर रहता है, तो हम इसको पूरी तरह से स्किप करेंगे।
इसके दो पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो हम सेकंड और थर्ड पेज होता है इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पे फोर्थ पेज के ऊपर क्या हो रहा है, दो तीन दिन से पता नहीं एड्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे बेसिकली कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे सीधी से पता नहीं इसमें पूरे में एड्स हैं, आप देख सकते हैं एक भी न्यूज नहीं है ऊपर से नीचे तक, तो इसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन है, अगर ये जो सेकंड पेज होता है कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का, ये उसके फ्लेवर का पेज है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे थ्री फोर्थ पेज के अंदर पूरा आईपीओ है, आईपीओ है आपका क्लीन इंडिया, सॉरी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। इनका आईपीओ क्लोज ओपन हो रखा है आपका 7-8-9 को ओपन रहेगा, यानी कि आज यहाँ पे लिखा भी है क्लोजेस्ट टूडे, आज के दिन क्लोज हो जाएगा 9 जुलाई के अंदर। इसके साथ ही आप देखेंगे तो ग्रिल का भी आईपीओ आया हुआ है, ग्रिल मतलब ग्रिल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका भी आईपीओ सेम डे इसको 7-8-9 जुलाई को खुला हुआ है और आज क्लोज हो जाएगा इनका आईपीओ भी। तो हमने समझ लिया इसके अंदर, और भी इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं थी। अभी जैसे तो टाइम्स इंटरैक्ट का पूरा पेपर है, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखेंगे इतने के अंदर पूरे के अंदर तो एड्स हैं, ऊपर भी एड्स हैं यहाँ पर पूरे के अंदर, तो ये तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राइजिंग इंडिया के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लास्टिक इंडस्ट्री इज रजिस्टरिंग अ स्टेडी ग्रोथ, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बस यही बताया है कि बूम कर रही है, प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। समझ लिया इसके अंदर पूरा इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर दो तीन ही कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि जैसे आपके ये अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, हमने फर्स्ट न्यूज में डिस्कस कर लिया वैसे, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे सब नहीं समझेंगे। जैसे आपका भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, आपके ये जो आपके नए नए बने सब इन्होंने क्या क्या कहा, जैसे आप देखेंगे ये आपके नारायण राणे ने कल बने थे, मैंने उसको कवर किया था, पीयूष गोयल ने क्या कहा, ये सब इसके अंदर पूरी न्यूज़ के अंदर यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब ये समझते हैं ये वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंफ्रा कंपनीज अंडर टैक्स मैंस लाइसेंस, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ओवर जीएसटी ऑन एनुइटी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये समझते हैं कि कन्फ्यूजन हुआ है जीएसटी एक टैक्स के ऊपर, एनुइटी के ऊपर, एनुइटी बेसिकली इनकम होती है, टैक्स नहीं होता। तो ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई किया था कि एनुइटी की आप जो भी इनकम कमाओगे उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, एनुइटी को एग्जेम्प्ट किया था, बट क्या हुआ कि कंपनीज ने उसको दूसरी तरह से गलत मतलब के अंदर ले लिया, तो इसके ऊपर कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। तो हम एनुइटी के यहाँ पर दो मतलब समझते हैं, तो एनुइटी का मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला था यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, वो होता है आपका टोल पेड एज एम्यूनिटी। तो टोल पेड एज एम्यूनिटी जैसे आपका जैसे कोई आपके जैसे मैंने आपको फर्स्ट न्यूज के अंदर कवर किया था कस्टम ड्यूटी, तो ऐसे अगर कोई भी टैक्स वगैरह की चीजें होंगी जिसको आपने पूरे साल के लिए एक बार पे कर दिया, पूरे साल के लिए एक बार पे कर दिया, तो उसके ऊपर क्या है कि टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा पूरी तरह से। तो ये होता है आपका जो गवर्नमेंट ने बोला था। अब क्या कि जो आपकी कंपनीज है उन्होंने क्या लिया यहाँ पर कि एनुइटी के बेसिस पे जो उनको इनकम मिली है, उन्होंने दी नहीं है वो नहीं, जो उनको मिली है यहाँ पर उनको उन्होंने एग्जेम्प्ट करा दिया अपने बैलेंस शीट के अंदर, उसको उन्होंने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया उसके ऊपर। तो ये बेसिकली यही होता है आपके इसके अंदर कन्फ्यूजन के अंदर कि जनरली यही होता है कि आपकी कोई इनकम थी उसको एक्सपेंडिचर दिखा के उसका टैक्स नहीं कैलकुलेट किया, तो ये सब रहता है इसके अंदर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर टैक्स मैन के अंदर, टैक्स मैन आपका मतलब होता है जीएसटी का काउंसिल, जीएसटी के काउंसिल के लेंस के अंदर कुछ इंफ्रा कंपनीज है, इंफ्रा कंपनीज वही कंपनी होगी जिन्होंने ये किया है, तो इंफ्रा कंपनी इनके टैक्स के अंदर लेंस के अंदर है। ये बेसिकली क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी एक वर्ड चलता है इसके अंदर, क्या होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे इन्होंने कितना इनके एनुइटी इन्होंने दिखाया है, कितने इनके टोटल एक्सपेंडिचर थे, कितना इनका रेवेन्यू आना चाहिए, कितना इनकी टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए। तो हमने इसके अंदर समझ लिया और आगे चाहे तो पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैंने आपको हाईलाइट किया था, तो ये हम पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड है इसके अंदर। ये COVID-19 इंपैक्ट का न्यूज़ है, इसके अंदर पूरी COVID-19 न्यूज़ होती है, इसको हम कवर नहीं करते हैं। तो हमने समझ लिया इसके अंदर, और आगे चलते ईटी मार्केट सेक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डीपन होती है। तो इसका देखेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट न्यूज है ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट फॉर टीसीएस इन की ओवरसीज मार्केट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसका जो है कि आपको पहले समझना पड़ेगा इनका मेन बिजनेस है आउटसाइड इंडिया, यानी कि मेन बिजनेस का है एक्सपोर्ट्स का, जो भी इनकी सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट्स करने में ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है, ना कि इंडिया के अंदर सेल करने में। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर इनका जो रेवेन्यू था, जो भी इनके क्लाइंट्स थे वो कम हो गए, मतलब कि वो अब इसके साथ बिजनेस ज़्यादा या तो नहीं कर रहे या फिर कम कर रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं द डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीसीएस इन जून 2021 क्वार्टर इज लार्जली ड्यू टू डिसरप्शन इन इंडियन बिजनेस। तो इंडियन बिजनेस के ये डिसरप्शन की वजह से, ये यहाँ पे इंडियन बिजनेस की भी गलती नहीं है, लॉकडाउन लग रहे हैं तो वो ऐसी सर्विसेज को क्यों अवेल करेंगे, वो अपने एम्प्लॉइज से उसको कराते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो इंडियन बिजनेसेस टीसीएस के साथ बिजनेस कम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि कंपनी के ऊपर ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा टीसीएस इन की ओवरसीज मार्केट। तो की ओवरसीज मार्केट मतलब जो बाहर के इंपॉर्टेंट मार्केट है, की मतलब जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था कि मतलब जो इंपॉर्टेंट ओवरसीज मार्केट है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के मार्केट है, उसके अंदर कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है डिमांड के ऊपर टीसीएस की सर्विसेज के। तो हमने इसके अंदर समझ लिया क्वार्टरली ट्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि टीसीएस का कितना प्रॉफिट रहा, क्या इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था, क्या डॉलर रेवेन्यू चार्ज था। ये चल सकते हैं रिटेल रश डीमेट अकाउंट्स विद सीडीएसएल क्रॉस 4 करोड़ मार्क। तो हम समझ सकते हैं डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो अगर आपको स्टॉक से ट्रेड करनी है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो डीमेट अकाउंट के बिना बिल्कुल से नहीं कर सकते। जैसे जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं अपस्टॉक्स,
जीरो था, आपकी ग्रो और बहुत सारे हैं, आपको बताइए होंगे, तो डीमैट अकाउंट पे ही ओपन कराते हैं अपना, तभी आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे CDSL के, CDSL आपकी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट चलता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसके अंदर क्या है कि ये वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट खोलने की, आपके स्टॉक्स होल्ड करने की। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट खरीदते हैं तो स्टॉक खरीदा तो आपके पास कोई मिलता तो है नहीं, आपके पास कुछ आएगा थोड़ी, आपके पास तो बस ऐप के ऊपर दिखा देगा कि आपके पास इतने स्टॉक्स है, बट वो स्टॉक्स किसी के पास तो होने चाहिए, अगर कंपनी के पास ही होंगे तो वो तो वापस सेल कर देगी, बट वो किसी के पास होने चाहिए। तो आपके और कंपनी के बीच में एक इंटरमीडियरी होता है CDSL। CDSL आपसे कुछ चार्ज लेता है 0.5%। तो यहाँ पे होता है कि CDSL कुछ चार्ज लेगा आपसे, बट जो भी स्टॉक होगा वो अपने पास रखेगा, वो कंपनी उसको सेल नहीं कर सकती वापस से, और आपको भी नहीं मिल सकता वो। तो CDSL आप जो एज एन इंटरमीडियरी अपने पास स्टॉक्स को रखता है। तो ये बेसिकली CDSL का मैंने एक फंक्शन बताया, ऐसे काफी सारे फंक्शन CDSL परफॉर्म करता है, पर ये उसका मेन फंक्शन रहता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग का भी फंक्शन CDSL प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर CDSL का यहाँ पे बताया हुआ है स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस बढ़ गया है वापस से, यहाँ पे आपका जिन्होंने क्लोजिंग प्राइस बताया 1025 के आसपास हो गया है। तो हमें समझिए सर, और आगे चले तो इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बोला सेंसेक्स निफ्टी फॉल बाय 1%, तो यही थी इसके अंदर, ये कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे देखें तो पूरे इसके अंदर ऐड है यहाँ पर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इकोनॉमिक टाइम्स वालों का इवेंट होता है, इसका पूरा ऐड है यहाँ पर। दूसरी बात देखें तो NSE का नोटिस है इसके अंदर, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आपको अबाउट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे इसके अंदर वीडियो के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमने इसके अंदर समझ लिया, आगे चलते तो ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर है वो कवर्ड है, और इसके अंदर अब मैं जो यहाँ पे कट्स मार रखा हूँ तो इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप देखेंगे कंपनी पर से प्रॉफिट है, हालांकि इसका नाम तो, बट इसके अंदर आप खुद ही देख सकते हैं ये न्यूज है इसके अंदर ये वाली, तो इसके अंदर सीधी सी बात है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे पूरे में एड्स एड 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 यहाँ पे पूरे में, यहाँ पे नीचे भी आधे हाफ के अंदर, ये बेसिकली एड्स नहीं है, ये बेसिकली किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, बट इसको एज अ न्यूज के अंदर हम नहीं समझेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, जैसे आप देखेंगे आपको कुछ इसके अंदर चीजें पता चलती है, जैसे कि करंट टैक्स कितना था, डेफर टैक्स कितना था, तो ये सब चीजें आपको पता चलती है। डेफर टैक्स अगर आपको नहीं पता, डेफर टैक्स मतलब होता है कि बाद में कितना टैक्स पे करना है, लाइबिलिटी कितनी है। तो आप समझेंगे एडोल का पेज इसके अंदर, अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें, जैसे कमेंट में एक पर्सन ने कहा था कि वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। ऑफ सैक्रीफाइस पॉलिटिक्स NHR, और यहाँ पे दो बेसिस पे पूरे जो है इसके अंदर एडोल्स है बेसिकली। तो हमने इसके अंदर समझ लिया है। अब आगे जाए तो यूट्यूब पर आगे सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस न्यूज नहीं होती है, अगर आप इसको पूरी तरह कवर कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, आपके कैसे एड्स हो गए, थोड़े बहुत आपके सोशल ट्रेंड्स हो गए कि जैसे आपके क्या फ्रूट्स खाने चाहिए, कैसी हेल्थ होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर रहता है। तो इसको हम पूरी तरह से स्किप करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्टर्स वगैरह इसके अंदर न्यूज हो गई और स्पोर्ट्स हो गए मैंने आपको बताया था, तो इसको पूरी तरह से डेली बेसिस पे स्किप कर सकते हैं। इससे अगर आप ईटी मार्केट्स की दो तीन और न्यूज़ को या खुद से आर्टिकल्स को पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इन्होंने समझ लिया अराउंड द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक सेक्शन है, इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसमें आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या है। EU फाइंस 4 जर्मन कार मेकर्स 1 बिलियन ओवर एमिशन कॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर 4 जर्मन कार मेकर, 4 जर्मनी की कार कंपनीज के ऊपर एमिशन से रिलेटेड, मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड 1 बिलियन इन्होंने फाइन किया यूरोप की कंपनी ने, यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली, यूरोपियन की कुछ कंपनीज को आपके एमिशन के ऊपर, यानी कि आपके पॉल्यूशन के ऊपर फाइन किया। तो ये हमें समझ लिया इसके अंदर, और ऐसा चीज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अंदर एक और छोटी सी न्यूज है, इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर US की 36 स्टेट्स ने गूगल के ऊपर केस कर दिया गया, और यहाँ पर उन्होंने बोला प्ले स्टोर अब्यूज से रिलेटेड, प्ले स्टोर से रिलेटेड उसके ऊपर कुछ केस किया है यहाँ पर इसके अंदर अभी कुछ भी हुआ नहीं कंफर्म, तो इसके अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये अगर कोई ऐसा कंफर्म न्यूज आती है बाहर। तो हमने समझ लिया आगे इसके अंदर पूरे एड्स वगैरह यहाँ पे गेम्स वगैरह, तो दैट्स इट, हमारा जो पेपर है वो कवर्ड है पूरा। इसके अंदर क्या है कि आप जो इसकी PDF है वो इसके अंदर मिल जाएगी, उसके अंदर क्या है कि आपको एक फोल्डर है उसके अंदर सारी PDF मिल जाएंगी, और साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपको उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अंदर क्या है कि आपको अगर कुछ भी डिस्कस करना है, कोई भी क्वेरी पूछनी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोई आपको पूरे पेपर से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्विज चलता है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ जो आज की न्यूज़ आई है उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।